लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। सपा के मैनिफेस्टो में रोटी का अधिकार, सुरक्षित रहने का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, उच्च शिक्षा स्वास्थ्य पाने का अधिकार, जातीय टिप्पणी न होने का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही 2025 तक जातीय आधारित गणना कराने की घोषणा करते हुए पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई है। जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देव और संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीन लें। हमने आपने चंडीगढ़ में वोटिंग और वोटिंग होने का तरीका देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया था और चंदे के नाम पर क्या वसूली हुई है? वो चंदा नहीं है, वो वसूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है सफाई उसके लिए जिन्होंने इतनी वसूली की हो? क्या कोई सोच सकता था कि 1,000 करोड़ पैसा लिया जाएगा, वसूली की जाएगी?